आज तक नहीं निकाली गई। हमें लगता है कि व्यापारियों संगठन के द्वारा जितने भी हमें लगता है 2-3 लोग नेता रहे हैं व्यापारियों के हैं भी, तो उन्होंने व्यापारियों को की राजनीति में उनको कहीं ना कहीं व्यापारी ने समर्थन दिया, व्यापारियों ने उनको फायदा दिया और व्यापारियों ने उनको व्यापारी नेता बनाया, मगर वो जाकर के किसी पार्टी की गोद में बैठ गए, सांसद बन गए, MLC बन गए, मंत्री बन गए और पार्टी के हित की बात करने लगे, पार्टियों की बात करने लगे, व्यापारियों के हित को भूल कर दिए। इसीलिए इतना बड़ा जनसमूह, इतनी बड़ी यात्रा उत्तर प्रदेश में मेरे द्वारा निकाली जा रही है और उन व्यापारी नेताओं पर व्यापारियों ने अविश्वास व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं उन संगठनों के द्वारा प्रदेश के सम्मेलन तक नहीं कराए जा रहे हैं एक एक साल में, और हमारे संगठन के द्वारा इस पर पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने विश्वास जताया और 8 अप्रैल को व्यापारी अधिकार यात्रा रैली की गई थी मोती झील में, लमसम 8,000 व्यापारी उसमें आया था और ये प्रदेश में सभी जनपदों में व्यापारी अधिकार यात्रा निकल रही है और बढ़ चढ़ के व्यापारी हिस्सा ले रहा है और इसमें कोई राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं है, इसमें किसी राजनीतिक दल की हम हिस्सेदारी नहीं करते हैं और राजनीतिक दल के नेता का प्रतिनिधित्व भी इसमें हम नहीं दे रहे। हमारा नेता हो सकता है व्यापारी, हो सकता है हमारे बीच का व्यक्ति होगा। इस चीज़ों के लिए पहली बार करने का प्रदेश में प्रयास हुआ है कि इंडिपेंडेंट तौर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। ये इसका एक बहुत बड़ा अलग विषय है कि अभी तक ये होता था कि सरकारें कोई हुआ चीफ गेस्ट बना लिया, मुख्यमंत्री जी को बुला लिया या किसी को बुला लिया। हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, हम उनसे मिलने भी जाते हैं, उनके अपनी ज्ञापन भी देते हैं, मगर मुझे लगता है कि व्यापारी राजनीति की जब कभी बात हो तो किसी दल का विभेद ना हो। हमारा कहना है कि जब हमारे संगठन के अध्यक्ष जी विश्वजीत जी से भी और सब जगह है कि कहीं पर व्यापारी की अगर समस्याएं आ रही हैं तो दल का भी भेद हम लोग नहीं करते हैं, वह व्यापारी होना चाहिए, उस व्यापारी की पूरी तरीके से मदद होगी। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और शासन के तौर पर कुछ शिकायतें आ रही हैं कि फूड विभाग, वाणिज्य कर विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, तो उस उत्पीड़न के लिए निश्चित रूप से आपके द्वारा हम चेता देना चाहते हैं कि अगर किसी एक व्यापारी का उत्पीड़न हुआ यहाँ पर तो हम लोग इस बात को विधानसभा तक पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री जी पहुँचाएंगे और नहीं होगी तो उस जिले में, उस कार्यालय में उसके घर का घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। कार्यालय घेराव बहुत हो गया, अब घरों का घेराव व्यापारी करेगा अधिकारियों का। निश्चित रूप से इस बात का व्यापारियों के माध्यम से हम आपके माध्यम से अधिकारियों को एक देना चाहते हैं कि अधिकारी का सम्मान व्यापारी करेगा, मगर निश्चित रूप से अगर उत्पीड़न हुआ तो व्यापारियों को घरों में घेरने का काम व्यापारी अधिकारियों को करेगा, जिसका नेतृत्व तो आवश्यकता पड़ी तो मैं भी कर सकता हूँ किसी जिले में।